बोलो। आप नॉर्मली हो, आपने घर में किया हुआ है अपने को, हवा धूप पानी चांद सितारे चिड़िए फूल पत्तियां ये चाहिए तुम्हें। ये 100 साल पुराना चला आ रहा है कि अंदर वो, तब टीबी था, घर से निकले तो टीबी होने का डर था। जैसे हम कोविड में बंद थे, ऐसे पहले टीबी की वजह से बंद रखते थे कमजोर बंदे को, जो बिल्कुल मतलब जैसे जवान लोग होते थे बिना प्रेगनेंसी वाले, उनको बाहर जाने देते थे, वो भी बच के जाते थे। तभी हम खांस का खांसने का है ना, नाक में हाथ डालने का, मेंसिस का, सबका परहेज तभी से शुरू हुआ है। टीबी जब का, टीबी का डर, 100 साल टीबी का डर चला, उससे पहले तो चलो पता ही नहीं था, फिर पता लगने के बाद भी 100 साल में उसका इलाज आया। अब आज की डेट में टीबी का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ख़त्म सी हो गई है। और जिसको हो जाती है कैजुअली हम दवाई देते हैं उसको, कोई डिप्रेशन नहीं होता उसको, पता है ट्रीटमेंट है इसका। लेकिन वो चीज़ें हमारी डिलीवरी में, गायनी में 100 साल पुरानी ही चले आ रही है। ब्रश नहीं किया तुमने, कंघी नहीं करनी, इतनी कमजोरी आजकल आती नहीं, मेरी सारी वीडियो देखोगे तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। लेकिन जो नई बात हुई है कि तुम्हें बिल्कुल ही ऐसे तो कम ही होता है आजकल कि बिल्कुल ही दरवाजे बंद करके रखें। आप दिन में रोशनी आने दो, बच्चे का भी नुकसान हो रहा है, खाली आपका नहीं हो रहा। विटामिन डी लगवाओ, हवा धूप पानी लो, कैल्शियम खाओ। ये विटामिन डी के एक धूप की कमी से हो जाता है। डे नाइट रिदम बताओ बनाओ, जब दिन में रोशनी आएगी तो बच्चा दिन में जागेगा। पानी भी पियो, अब डेढ़ सवा महीना, सवा महीना अगर आजकल आजकल की बिंदास लड़कियों को सवा महीना बंद कर दो तो उनके लिए तो यही बड़ी टॉर्चर है। अभी कल जाओ, आज अभी इंजेक्शन लगवाओ, या कल एक थायराइड और टेस्ट करा लेना। कई बार थायराइड हो, शुगर हो जाता है, पहले नहीं भी हो। नहीं, थायराइड तो टेस्ट कराओ, वो होगा तो उसका अलग ही इलाज है, वो भी ज़रूरी है। और इसके बाद भी नहीं ठीक होती, मैंने जो दवाई लिखी है वो ऑनलाइन नहीं बता सकती क्योंकि ये प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन होती है, वो नहीं बताती हूँ क्योंकि हर बंदे के लिए अलग होती है, वो ऐसे नहीं है बता सकते। लेकिन अगर जो डिप्रेशन किसी को फील हो रहा है तो उसको साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। साइकेट्रिस्ट घर आके भी देख जाते हैं कोई ना माने तो। ऑनलाइन व्यूअर्स को बता रही हूँ, तो मैं ऑनलाइन व्यूअर्स भी देख रहे हैं। तो आप मेरे को कोई रिकमेंड कर दो, अगर मेरे को लग रहा है कि मेरे को यहाँ पंचकुला में डॉक्टर त्रेहान बहुत अच्छे हैं, डॉक्टर त्रेहान 12 सेक्टर में। त्रेहान डॉक्टर नहीं, मैं ही बता दूंगी, अभी तो मैंने दवाई लिखी है, जहाँ तक हम लोगों को अलाउड होती है वहाँ तक हमने लिख दिया, उसके आगे अभी ठीक हो जाओगी, कल ही ठीक हो जाओगी। कल विटामिन डी लगवाओ, आज रात को गोली खाओ, कल ही ठीक हो जाओगी। इतना है नहीं तुम्हें, दरवाजे खोलो, कर्टन हटा दो, सब धो दो कर्टन, रात को रात की रोशनियाँ है, दिन में दिन की रोशनियाँ है। ये कर्टन ने सबको दुखी किया हुआ है। एक प्लांट को अंदर रखोगे ना, आप कहोगे इसको धूप लगा दें, एक डॉग को रखोगे उसको कहोगे इसको सैर करा ला है, लेकिन बंदों का नहीं है। बहन भाई का तुम्हारी मायके गए हुए, ये नहीं है कि मेरी बहन अंदर पड़ी है उसको घुमा लो। अब वो तो वही बेचारे लड़कों को नॉलेज नहीं है ना, ये इतना चक्कर हुआ है गायनी सारी। ये तो ये भी बोल रहा है कि मैं तेरे को वापस पंचकूले ले जाता हूँ, जरा नहीं मन लग रहा क्योंकि वहां पे हमारा घर बहुत ज्यादा वेंटिलेटेड है, चारों तरफ से खुला है। अरे तो निकलो, अब तो सवा महीना हो गया, बाहर जाओ पार्क में बैठो, अभी ठीक हो जाओगी 15 मिनट में। चलो बाय। मैं